हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। महिलाओं में प्रेगनेंसी ना हो पाने के यूं तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक मुख्य कारण जो होता है वो ये होता है कि उन महिलाओं में ओव्यूलेशन नहीं हो रहा होता है, यानी कि अंडा बन के रिलीज नहीं हो रहा होता है। इसके अलावा और भी कारण होते हैं, जैसे फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है अगर किसी में, या फिर यूट्रस में बहुत ज्यादा फाइब्रॉइड्स हैं, या यूट्राइन टीबी है। ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी ना हो रही हो, लेकिन एक बहुत ही कॉमन कारण ये भी होता है कि उनमें ओव्यूलेशन नहीं हो रहा होता है। ओव्यूलेशन नहीं होगा तो एग नहीं मिलेगा, और एग नहीं मिलेगा तो वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और प्रेगनेंसी नहीं रह पाएगी, क्योंकि प्रेग्नेंट होने के लिए एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन जरूरी होता है। तो इस कंडीशन को एन ओव्यूलेशन बोलते हैं, यानी कि ओव्यूलेशन का ना हो पाना। अब 70% केसेस जो होते हैं एन ओव्यूलेशन के, उनमें जो कारण होता है वो एक ही बीमारी है जिसका कि नाम है पीसीओडी या फिर पीसीओएस। जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कॉमन ये बीमारी है आज की डेट में, और कई महिलाएं इससे सफर करती हैं। ऐसी सारी महिलाओं को ये पता भी नहीं होता है कि उनको पीसीओडी या पीसीओएस है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, और इसको ठीक किस तरीके से किया जा सकता है। तो पीसीओडी या पीसीओएस जो होती है, ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर होता है जिसमें कि आपकी ओवरीज अफेक्टेड होती हैं। अब ओवरीज अगर अफेक्ट होंगी तो ओवरी की फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाएगी। ओवरी के दो मेन फंक्शंस होते हैं, एक तो अंडा बना के रिलीज करना, और दूसरा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के दो फीमेल हार्मोन्स प्रोड्यूस करना, जो कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। लेकिन ओवरी में थोड़ी मात्रा में मेल हार्मोन भी रिलीज होता है, जिनको कि एंड्रोजेंस बोला जाता है, जिसमें से मुख्य है टेस्टोस्टेरोन। अब जो ये बीमारी है पीसीओडी की, इसमें क्या होता है कि दो तरीके की बातें होती हैं। एक तो ये कि ओवरी में से एंड्रोजेंस जो रिलीज होते हैं उनकी मात्रा बढ़ने लग जाती है। इसके अलावा जो ओवरी का दूसरा फंक्शन होता है, यानी कि एग प्रोड्यूस करना, वो भी अफेक्ट होता है। वो कैसे अफेक्ट होता है? नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ज्यादातर महिलाओं की 28 दिन की साइकिल होती है, तो उसमें पहले दिन से ओवरी में कुछ फॉलिकल्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉलिकल्स क्या होते हैं? फॉलिकल्स पानी से भरी हुई थैली होती है जिसके अंदर छोटे छोटे इमेच्योर एग्स होते हैं। तो ये धीरे धीरे करके कुछ फॉलिकल्स जो हैं हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में डेवलप होना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद इनमें से एक फॉलिकल जो है वो ज्यादा अच्छे से डेवलप करता है, उसके अंदर एग मेच्योर होता चला जाता है, और इस फॉलिकल का साइज बड़ा होता चला जाता है, तो इसको डोमिनेंट फॉलिकल बोलते हैं। और फिर करीब मिड साइकिल में, यानी कि अगर 28 डेज की साइकिल है तो 14th डे पे ये जो डोमिनेंट फॉलिकल होता है ये रप्चर कर जाता है, फट जाता है, और इसमें से एग जो है वो रिलीज होता है, जिसको कि फेलोपियन ट्यूब कैप्चर कर लेती है। तो इस डिजीज में क्या होता है, यानी कि पीसीओडी में क्या होता है कि छोटे छोटे कई फॉलिकल्स बनना तो स्टार्ट होते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक पर्टिकुलर डोमिनेंट फॉलिकल नहीं बन पाता है और ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है। तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपका जो एंडोमेट्रियम है, जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग है, वो मोटी होती चली जाती है, अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है। जिस महीने में प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये जो लाइनिंग होती है ये शेड ऑफ कर जाती है, झड़ जाती है, यानी कि ब्लड के साथ वो सारे टिश्यूज जो होते हैं वो बाहर को निकल जाते हैं। लेकिन पीसीओडी नाम की ये जो बीमारी है, इसमें क्या होता है कि ओव्यूलेशन हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से हार्मोनल एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है बॉडी में और मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपरली रेगुलेट नहीं हो पाती है। तो ये जो एंडोमेट्रियम है, ये की लाइनिंग है, ये झड़ती नहीं है और आपका पीरियड नहीं आ पाता है टाइम से। फिर ये जो लाइनिंग है ये थिक होती जाती है, मोटी होती जाती है, तो फाइनली ये अपने ही वजन से झड़ जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप क्या नोटिस करेंगे, क्या सिम्टम आपको नजर आएगा, वो ये कि आपको पीरियड तो टाइम से आएगा नहीं, आपका पीरियड डिले हो जाएगा, 35 दिन 40 दिन आपका पीरियड डिले हो जाता है, और फिर जब आता है तो वो बहुत ही हैवी पीरियड आता है, जिसका कारण यही होता है कि आपकी जो एंडोमेट्रियम है वो जरूरत से ज्यादा थिक होके फिर वहां पे जब झड़ती है तो इस वजह से आपको हैवी पीरियड आता है। तो भी ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है पीसीओडी में, पीसीओएस में, कि आपके पीरियड्स बहुत ही इररेगुलर हो जाते हैं, बहुत देर से आते हैं, और जब आते हैं तो आपको हैवी ब्लीडिंग होती है।
इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपको पीसीओडी की कंडीशन में बहुत हल्का पीरियड आए, या फिर पीरियड बिल्कुल बंद हो जाए, आए ही ना, या फिर कई महिलाओं में एक साल में 8 ही बार पीरियड्स आए या फिर 8 से कम पीरियड्स आए, तो पीरियड के आने की फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत कम हो जाती है पीसीओडी की बीमारी में, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, तो इस तरीके की कंडीशन आपको पीसीओडी में मिलती है। इसके अलावा क्या होता है कि इन महिलाओं का वजन जो है वो काफी बढ़ने लग जाता है, मतलब जो नॉर्मल बीएमआई होता है, बॉडी मास इंडेक्स, उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाता है, करीब 30 से भी ज्यादा उनका बीएमआई होता है, और जिसकी वजह से पीसीओडी के सिम्टम्स और ज्यादा एग्रेवेट करते हैं। पीसीओडी से सफर कर रही महिलाओं में डिप्रेशन और एंग्जाइटी की कंप्लेंट भी बहुत मिलती है, यानी कि उदास रहना, चिड़चिड़ापन, घबराहट होना, बेचैनी होना, इस टाइप के सिम्टम्स भी साथ में जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा ये देखा गया है कि ऐसी महिलाओं में डायबिटीज का रिस्क बहुत ज्यादा हाई होता है, और हाई ब्लड प्रेशर की कंप्लेंट भी मिलती है, साथ में हार्ट डिजीज भी हो सकती है, हार्ट डिजीज के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। एक और जो मेन कंप्लेंट जिसके लिए पीसीओडी के पेशेंट्स डॉक्टर के पास पहुंचते हैं वो ये होती है कि उनमें प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही होती है, यानी कि इनफर्टिलिटी की शिकायत मिलती है। अगर आप कई महीने से कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं लेकिन कंसेप्शन हो नहीं पा रहा है, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, और साथ में आपके पीरियड्स जो हैं वो बिल्कुल इरेगुलर हैं, बहुत ज़्यादा डिलेड हैं, एक आध महीने स्किप हो जाते हैं, जब आते हैं तो हैवी पीरियड्स आते हैं, तो हो सकता है कि आपके अंदर पीसीओडी नाम की ये कंडीशन हो और आपको पता भी ना हो। तो इसकी डायग्नोसिस कैसे बनेगी, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं जानने के लिए, तो इसके लिए ब्लड टेस्ट किया जा सकता है। ब्लड टेस्ट में क्या होता है, जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसके लेवल्स जो हैं वो ज्यादा मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप सिंपल अपना एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड भी करा लेंगी तो वहां पे आपकी जो ओवरीज हैं उनमें कई छोटी छोटी सिस्ट जो हैं वो मिलती हैं, और ओवरी का साइज थोड़ा बड़ा होता है, पॉलीसिस्टिक इसीलिए इसको बोला जाता है, पॉली का मतलब होता है मेनी, मतलब कई सारे, सिस्टिक यानी कि सिस्ट, तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में क्या होता है, आपकी ओवरीज में छोटे छोटे बहुत सारे सिस्ट मिलते हैं, ओवरी का साइज बड़ा होता है, आपकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस भी ज्यादा मिल सकती है, तो इन सब फाइंडिंग से जो आपकी अल्ट्रासाउंड में मिलेगा तो इससे कंफर्म हो सकता है कि आपको पीसीओडी की कंडीशन है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको पीसीओडी है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, किस टाइप का इसमें ट्रीटमेंट ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैं मेडिसिन की बात नहीं करने वाली हूँ, मैं नेचुरल मेथड्स की बात कर रही हूँ, यानी कि अपनी जीवन शैली या अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करके आप पीसीओडी के सिम्टम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, पीसीओडी अगर आपको है और आपका वजन काफी ज्यादा है, क्योंकि जिन ज्यादातर महिलाओं को जिनको पीसीओडी होता है उनमें वजन काफी ज्यादा बढ़ जाता है, गुड न्यूज ये है कि ये देखा गया है कि ऐसी महिलाएं अगर अपना वजन जो है 5% भी कम कर लेती हैं तो उनमें पीसीओडी के सिम्टम्स में बहुत इंप्रूवमेंट मिलता है, और वो कंसीव भी कर सकती हैं, यानी प्रेगनेंसी भी हो सकती है। तो अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको एफर्ट करना है अपना वेट लूज करने के लिए प्रॉपर डाइट लेके और प्रॉपर एक्सरसाइज करके। डाइट में क्या है कि आपको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स जिन चीजों में होते हैं वो आपको नहीं लेना है, और आपको बहुत ज्यादा मीठा और बहुत ज्यादा फैटी फूड, बहुत ज्यादा तला भुना खाना, ये सब अवॉइड करना चाहिए, आलू चावल चीनी ये चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए, और इसके अलावा बैलेंस डाइट लें, विटामिन्स प्रॉपर हो आपकी डाइट में, फ्रूट्स आप लीजिए जो भी सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां लीजिए, इस टाइप से अपनी डाइट को एक बैलेंस डाइट तो रखिए लेकिन थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कम कीजिए। एक्सरसाइज की अगर हम बात कर लें तो एटलीस्ट अगर आप आधा घंटा भी एक्सरसाइज के लिए निकाल लें अपने दिन में तो बहुत अच्छा रहेगा। सिंपल सी एक्सरसाइज होती है ब्रिस्क वॉक, यानी कि तेज तेज वॉक करना एक बहुत अच्छी और सिंपल एक्सरसाइज है, जिसे आप आज ही से स्टार्ट कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। शुरू में ही एकदम से बहुत ही विगरेस एक्सरसाइज करना ठीक नहीं होता है, क्योंकि एकदम से अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे तो फिर आपकी बॉडी एकदम से थक जाएगी, बॉडी पेन्स हो सकते हैं जगह जगह, तो एक्सरसाइज की जो इंटेंसिटी है उसको धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। शुरू में आप आधा घंटा धीरे धीरे वॉक करिए, जैसे जैसे आपको हैबिट पड़ती है आप अपनी वॉक को तेज करिए, तेज तेज वॉक करिए, और इसके अलावा अगर आप और एक्सरसाइजेस करने में कंफर्टेबल हैं और आपको पसंद है एरोबिक एक्सरसाइजेस करना, आपको सूट करता है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन शुरू में ब्रिस्क वॉक करना ही ठीक रहता है, आधा घंटा दिन में निकाल लीजिए ब्रिस्क वॉक करने के लिए। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज करके और अपनी डाइट को रेगुलेट करके अगर अपना वजन कम कर पाती हैं तो आपको पीसीओडी के सिम्टम्स में बहुत ज्यादा आराम वहां पे मिलता है। इसके अलावा अगर लाइफस्टाइल चेंजेस से मैनेज नहीं हो पा रही है आपकी पीसीओडी तो फिर आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं और ये इस पे डिपेंड करता है कि पीसीओडी का पेशेंट किस
मेन इशू से उसको प्रॉब्लम है, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल इनफर्टिलिटी की अगर कंप्लेंट के लिए वो कंसर्न है, उनको बेबी चाहिए उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका एक अलग टाइप का ट्रीटमेंट दिया जाता है वहाँ। वहाँ पे आपको हार्मोन्स दिए जाते हैं, आपको ओव्यूलेशन इंड्यूस करने के लिए मेडिसिन दी जाती है, तो वो एक अलग टाइप का ट्रीटमेंट होता है। जिन महिलाओं में ये कंप्लेंट ज़्यादा होती है कि उनके बॉडी हेयर बढ़ रहे हैं या फेस पे ज़्यादा बाल आ रहे हैं या हेयर्स से बहुत ज़्यादा बाल उनके झड़ रहे हैं, गंजापन होने लग रहा है, तो उसमें एक अलग टाइप का ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि पीसीओडी में पेशेंट को किस टाइप की कंप्लेंट्स है, उसके हिसाब से उसको टारगेट करके ट्रीटमेंट दिया जाता है। यहाँ अगर हम इनफर्टिलिटी की बात कर लें तो उस कंडीशन में जैसे मैंने आपको बताया अपना वेट आप लूज करेंगी तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। कई महिलाओं ने अपना वेट लूज करके पीसीओडी में प्रेगनेंसी कंसीव करी है। पीसीओडी की कंडीशन में ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आपको कंसीव करने में ही दिक्कत आती है, प्रेगनेंसी अगर हो भी जाती है तो आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क ज्यादा होते हैं पीसीओडी के साथ। तो इसलिए पीसीओडी की कंडीशन अगर है तो इसको मैनेज कर लें अगर अपना वेट कंट्रोल करके तो बहुत अच्छा रहेगा। पीसीओडी के अगर हम कारणों की बात कर लें कि क्यों कुछ महिलाओं में पीसीओडी होता है जबकि कुछ में नहीं होता है, तो इसके लिए जेनेटिक फैक्टर्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। हालांकि श्योरिटी के साथ अभी डॉक्टर्स भी इसमें कुछ नहीं कह सकते। तो अगर मैं समराइज करूं कि आज मैंने आपको इस वीडियो में क्या बताया, तो पीसीओडी एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें कि महिला की बॉडी में मेल हार्मोन यानी कि एंड्रोजन स्पेशली टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ने लग जाती है, उनकी ओवरी अफेक्टेड हो जाती है, ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट्स बन जाते हैं लेकिन कोई भी मेच्योर एग नहीं होता है, कोई भी डोमिनेंट फॉलिकल नहीं होता है जो रप्चर करके एग को रिलीज कर सके, इससे ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है, इस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। इसके जो मुख्य लक्षण हैं वो ये हैं कि ऐसी महिलाओं में पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिलेड पीरियड्स होते हैं, 35 दिन से ज़्यादा का टाइम लग सकता है पीरियड आने में, जब आते हैं तो हैवी पीरियड्स आते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि साल में सिर्फ 8 ही पीरियड आए या उससे कम पीरियड्स आए। साथ में मेल हार्मोन की बढ़त की वजह से मेल फीचर्स बॉडी में दिखने लग जा सकते हैं, जैसे कि फेस पे या चेस्ट पे ज्यादा बाल आना, एक्ने या मुहासे ज्यादा होना, ऑयली स्किन हो जाती है, ज्यादा बाल झड़ने लगते हैं, इस टाइप के सिम्टम्स भी पीसीओडी में होते हैं। साथ ही इन महिलाओं का वजन काफी ज्यादा बढ़ने लग जाता है, और अच्छी बात यह है कि वजन को कंट्रोल करके पीसीओडी के सिम्टम्स को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज पर मंथ उसका चार्ज होता है, तो इस तरीके से भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।